हैप्पी दिवाली दोस्तों, स्वागत है दोस्तों मेरा फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है दीपावली, तो दोस्तों दीपावली के अवसर में हम गांव में मिठाई बांटते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे हम ले आए हैं बूंदी, और इसमें हम मिक्स करेंगे सेव को, बूंदी और सेव को मिक्स करके, और इसमें हम बाकी और भी मिठाई डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको वो भी दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा बॉक्स, इसी बॉक्स में हम मिठाई को पैकिंग करेंगे। दोस्तों रहा हमारा शीतला मंदिर, देख सकते हैं दोस्तों ये रहा सेव। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन सी मिठाई लाए हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मिठाई, ये दूसरा वाला आइटम, ये हो गया रसगुल्ला। अभी दोस्तों सभी मिठाई को हम एक बॉक्स में पैकिंग करने वाले हैं। एक बार सब दिशा, एक बार सब दिशा ना, उल्टा दिशा, उल्टा था किसरा था ना, आरुटा 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 होते ठीक हो गया राजा। बेहतर ठीक है सरकार के नाम यार, घर वाले आपसे ना लगा ना इतने इतने ओबुदा तीनों हाथ का जीरो मार दो भाई बेटा। अरे अरे कोड़े ये ना लगवे पेपर 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 इसके पड़े पड़े हाथ मसाला लगवे, एक बल जल होना लगवे। दोस्तों हम हर एक बॉक्स में सेव बूंदी और प्लस साथ मिठाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अरे एक बार बूंदा इन्हें दिए होती कंप्यूटर से इसको हम मस्त अभी पैक कर लेंगे। আসে নাই दोस्तों देख सकते हैं हमारा मिठाई का बॉक्स तैयार। दोस्तों हम 300 बॉक्स मिठाई यहाँ पे हम पैकिंग करके रख दिए हैं, इधर भी रखा हुआ है। चलिए दोस्तों एक काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम आपको दिखाते हैं जो हम दिवाली का जो तैयारी किए हैं, काली माता का जो पूजा हम करने वाले हैं, तो हम इसमें और क्या क्या तैयारी किए हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में आगे। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हम
इस साल दिवाली में कैसे डेकोरेशन किए हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा गेट बाहर का और अंदर का जो भी सजावट है वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा मंदिर के अंदर का नज़ारा, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों थोड़ी देर में काली माता का प्रतिमा आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर हमारा जो मंदिर का डेकोरेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों हमारा प्रतिमा आ चुका है, अभी हम यहीं पर जो काली माता है उनका भी पूजा करेंगे बाहर, फिर मंदिर के अंदर ले जाके माँ दुर्गा का स्थापना कर देंगे। রাগ হবে না আমার উপরে, তবে আমার মুখ খুলে না তুই ছেলেকে ফটো উঠেছিস। খাতা কলম নিয়ে বসো, কি হবে কি করছি আমি দাদাদের পড়লাম, আমার তো বক্তব্যটা বইছে মনে সাহেব কেসে এই নাম Thank you.
दोस्तों आज रात को हमें खिचड़ी बनाना है क्योंकि हम सुबह ही खिचड़ी का वितरण करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे मिर्ची का जो डंठल है उसको निकाल लिए हैं और हम अदरक भी छील रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे नारियल कटिंग कर लिए हैं जिसे हम खिचड़ी में देने वाले हैं। दोस्तों हम जो खिचड़ी बनाते हैं वो लगभग 12 बजे के बाद से खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और लगभग हम लोगों का 6 से 7 बज जाता है खिचड़ी बनाते बनाते, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत क्वांटिटी में खिचड़ी बनाना पड़ता है क्योंकि पूरा गांव वाले को हमें खिचड़ी मिठा के खिलाना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हैं नज़ारा, दोस्तों यही नज़ारा है दीपावली का जिसमें हम खूब पटाखा फोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी पटाखा फोड़ते हैं तो आसपास थोड़ा ध्यान रखें। तो हम आलू कटिंग कर लेंगे क्योंकि दोस्तों हम कुमड़ा पहले ही कटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं वहाँ पे कुमड़ा रखा हुआ है। दोस्तों अभी लगभग 10:30 बज चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ जो भक्तगण हैं सब लोग काली माता का दर्शन करने आ चुके हैं। दोस्तों जो काली पूजा है वो 12 बज के बाद से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा होगा आपको। दोस्तों हमें खिचड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे इसलिए हम अभी यहाँ पे पूजा करेंगे, देख सकते हैं पूरे नियम के साथ हम अभी चूल्हा को जलाने वाले हैं। काश्मीरी लाल मिर्च दियो दोस्तों। काली माता का पूजा चालू हो चुका है, नियम रहता है जब पूजा चालू हो जाए तब फटाका फोड़ना पड़ता है। दोस्तों तक खिचड़ी बन रहा है, हम आ चुके हैं फटाका फोड़ने के लिए। গাড়ির নিচে না যায় আবার এইসব স্ট্যান্ডার্ড বাজি, কোনো আওয়াজ নেই কিছু নেই। শিটলা
চাবি दोस्तों। पूजा भी कंप्लीट हो चुका है और इधर हमारा खिचड़ी भी बन चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। हम 120 किलो दाल और चावल से खिचड़ी बनाए हैं और एक गंज बाकी है, बस उसको बना लेंगे, फिर हमारा खिचड़ी बनना कंप्लीट, फिर हम प्रसाद वितरण करना चालू कर देंगे। इधर तो लवन खेत है ना, খিচুড়ি ভরা রয়েছে লোক কই এই ল্যান্ডে পেশে দেওয়া লাগবে, ওইটা বেশি দিক হয়ে গেছে। ওটা কাশ্মীরি লাল মির্চ গেছে। এই যে ভরা, এই যে পুরা, এই যে আর একটা না না ভরাচ্ছি তো ভরিস না। दोस्तों तो अब हम भी खिचड़ी वितरण करने वाले हैं। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।